नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ पूरा ज्योतिष की तरफ से आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम भारतीय ज्योतिष का पंचम प्रकार काल शब्द योग के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम जानेंगे कैसे जन्म कुंडली में ये पंचम प्रकार का काल शब्द योग यानी कि पद्म काल शब्द योग बनता है, इसका फल क्या होता है और कैसे इस फल से बांचा जा सकता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखना और अगर आपके खुद के जन्म कुंडली में या आपके कोई अपनों के जन्म कुंडली में ये योग दिखाई देता है तो इस भयानक काल शर्व योग के फल से खुद को और अपनों को रक्षा करना। जब किसी भी जन्म कुंडली में लग्न से पंचम भाव में राहु के अवस्थान, लग्न से ग्यारहवें भाव में केतु का अवस्थान होता है और ऐसी परिस्थितियों में राहु और केतु का एक्सिस के कोई भी एक दिशा पे, वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज, बाकी सारा ग्रह उपग्रह और नक्षत्रों का अवस्थान रहता है, तब भारतीय ज्योतिष में उसको पद्म काल सर्प योग माना जाता है। जब कोई जातक ये पद्म काल सर्प योग लेके जन्म लेता है तभी से वो बहुत सारा शारीरिक समस्याओं में पड़ जाता है। पढ़ाई में भी ऐसे जातक ज्यादा दूर तक जा नहीं सकता। छात्र जीवन में ऐसे जातक को बहुत सारा परेशानियों से गुजरना पड़ता है। ज्यादातर समय ऐसे जातक पेट की बीमारियों को लेकर परेशान रहता है। इन लोगों की जिंदगी में विदेश यात्रा होता है, इसीलिए इन लोगों को ज्यादातर वक्त परिवार से दूर ही रहना पड़ता है। अक्सर देखा गया है ऐसे जातक को विदेश में ही देहांत हो जाता है। इन लोगों के जिंदगी में प्यार सफल नहीं होता है, इन लोगों का संतान भाग्य शुभ नहीं होता है। पहले तो इन लोगों का संतान होता नहीं है, अगर हो भी गया तो इन लोगों को संतान सुख नहीं मिलता। जिन लोगों के जन्म कुंडली में ये काल सर्प योग है वो अगर हर एक अमावस्या पे पितृ गायत्री का विधि पूर्वक जाप करें या किसी भी एक शनिवार को आठमुखी रुद्राक्ष विधि पूर्वक धारण करें तब ऐसे काल सर्प योग से बचा जा सकता है। मेरे विचार से अगर वो जातक कोई भी ज्ञानी विद्वान ज्योतिष से खुद के काल सर्प योग का जड़ से विनाश करे तब वो जातक जिंदगी में बहुत आगे जा सकता है, क्योंकि भारतीय ज्योतिष कोई अंधविश्वास या कुसंस्कार नहीं है, ये एक विज्ञान है और भारतीय वेद का एक अंग है। इसीलिए मैं सौरभ आप सभी का अनुरोध करता हूं कि आप सभी भारतीय ज्योतिष को सही तरह से जान के वो खुद की जिंदगी में प्रयोग करके खुद की जिंदगी को उन्नति के शिखर पे ले जाइए। आने वाला वीडियो में हम भारतीय ज्योतिष का छठा किस्म के भयानक काल सर्प योग के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस चैनल के कोई भी अपडेट सबसे पहले आप पा सके। भारतीय ज्योतिष को लेके कोई भी प्रश्न आप हमें कमेंट या व्हाट्सएप कर सकते और पुरांजा ज्योतिष संबंधित कोई भी जानकारी के लिए आप हमारा वेबसाइट पे लॉग इन कर सकते हैं। मैं सौरभ आप सभी से इजाजत चाहता हूं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।